जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। सो आज नवोदय का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। एंट्रांस एग्ज़ाम था। सो रीजनिंग का हमने आंसर की विद सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया, और अब हम अर्थमेटिक के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कौन से आपने गलत आंसर जो है वो टिक किए हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए 41 क्वेश्चन को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की, ये पीडीएफ है, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं विद सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। द प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग एन आर्टिकल 4 2540 इज इक्वल टू द लॉस इन सेलिंग 1850। तो देखिए आपको बोला था एक ऐसा नंबर आपको बताना है कि जहां से इक्वल लॉस हो इक्वल प्रॉफिट हो। तो जब इक्वल लॉस इक्वल प्रॉफिट की बात आती है तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला जो है वो लगाया जाता था। आपको क्या करना है, 2540 को ऐड करना है 1850 से और डिवाइड कर देना था आपको 2 से। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4390 डिवाइड बाय 2, और इसको कट करके आपके पास आंसर आएगा 2195, जो कि आपके 2195 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके पास दिया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला गया था इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज 1/3 देन एरिया। तो एरिया क्या होगा, देखिए 1/3 की बात की गई है। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकाला जाता है। जैसे कि मैं पेरीमीटर की बात करूं, कभी भी आप उसके यूनिट चेक कीजिएगा, जो पेरीमीटर है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही आता है, जैसे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अगर एरिया की बात करूंगा तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर मीटर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपका किस में आता है, क्यूब में आता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आपके फॉर्मूले वो भी इसी तरीके से डिजाइन होते हैं। पेरीमीटर हमेशा एडिशन में किया जाता है, एरिया हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, साइड इनटू साइड। जब दो साइडों को क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं। गुणा करने का मतलब उसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो 1/3 का मतलब है 1/9। आप स्क्वायर ओपन कीजिए, 1/9 इसका राइट आंसर था, और 1/9 जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके पास जो था वो दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो आपका इसका राइट आंसर रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 था, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट नंबर। आपको 3 डिजिट का सबसे बड़ा और छोटा नंबर बनाना है, किससे, 9, 6 और 0 से। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो बड़ा नंबर बन जाता है। और जब आप छोटा बनाएंगे तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 0, 6, 9 लिखेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा, इसलिए 0 आपका मिड में आएगा। आपको 960 में से 609 को माइनस करना था, सॉरी प्रोडक्ट है आपका, तो प्रोडक्ट के लिए आपको माइनस नहीं करना है, गुणा करना है। आप दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपके पास 58640 ऑप्शन नंबर सी जो था वो इसका राइट आंसर आना था। ये देखिए साइड में एक बच्चे के द्वारा किया भी गया है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे आपको जो था वो एलसीएम लेना था, तो ए प्लस 10 माइनस के ए डिवाइड बाय बी आपका आना था एलसीएम 10/7, और ये आपका ए से ए कट जाना था। 10 इज इक्वल टू आपके पास रहना था 10/7 बी, 10 से 10 कट गया, बी का मान आपके पास 7 आ गया। यहाँ पे आप बी की वैल्यू भरेंगे 7 में से 3, ए का वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो आपके पास ए बाय बी पूछा गया था, तो बी है आपके पास 7 और ए है 4, तो 4/7 जो कि ऑप्शन सी था वो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो इस क्वेश्चन में आपको एरिया जो है वो निकालना, यहाँ पे एरिया जो है वो आपके पास दिया गया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 616, और ब्रेथ आपके पास दी गई है 22। तो आप क्या करेंगे, एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ आप कर लेंगे तो आपके पास लेंथ निकल आ जाएगी। विद यूजिंग फॉर्मूला एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, 616 डिवाइड बाय ब्रेथ आपके पास दी गई है 22, 22 से कट जाएगा पूरा का पूरा 28 आपके पास जो है वो ब्रेथ आ जाएगी। तो ये जो है वो एक रेक्टेंगल आ गया, इसकी लेंथ आ गई 28, ब्रेथ जो है वो आ गई 22। तो पेरीमीटर जो है
वो उसका कितना आएगा, क्योंकि वहां पे फेंसिंग लगानी है, फेंसिंग यानी कि तार जो है वो बाहर बाहर लगाया जाता है, इसलिए हमने परिमाप या पेरीमीटर निकाला। तो 28 एंड 22, 50, 50 इंटू 200 जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा। तो एक के ऊपर खर्चा 7.5 रुपये, तो 100 के ऊपर 7.5, ठीक है। डिवाइड इसको ओपन कर दिया दो पॉइंट्स को, यहाँ पे पॉइंट था इसलिए ओपन डिवाइड बाय 100, 100 से 100 गया 750 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास रहेगा, इसमें बोला गया था इफ वी राइट ऑल द नंबर 1 to 100, तो 9 जो है वो कितनी बार आएगा। तो ये डायरेक्ट नंबर होता है, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 9, 19, 29, फिर यहां तक आप जाएंगे 79, 89, फिर आपके पास 9 जो है वो 90 यानी कि 90, 91, 92, वहां पे भी 9 आएगा, तो टोटल जो है वो 20 टाइम्स आता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसको कन्वर्जन करके लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 31 जो है वो आपका 496 होगा, 496 और प्लस के 7, ये आपके पास बनेगा 503। 503 को डिवाइड करेंगे आप 16 से, तो ये लगभग आपका जो है वो 31.4375। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 47 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, आपको डिवाइड करना था यहाँ पे, तो 1200 पहले ही आपके पास बेसिकली जो है वो दिया है। देखिए आपके पास यहाँ पे दिया 34392, और डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 366 और ऊपर आएगा 100, यानी कि ये कट के आपके पास 1200 इस तरीके से बन रहा है। जब आपके पास यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को उस तरीके से लिखता हूँ, जब आपके पास वैल्यू यही दी है और आपको सिर्फ पॉइंट का हेर फेर करना है, 4392 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा पॉइंट हटा के, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू नीचे जाएगी, इसका पॉइंट जाएगा ऊपर, ये जाएगा 12 से और ये 10 से 10 गया, तो आंसर आपके पास सिर्फ 12 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आपको बोला था 2/3 kg जो है वो ईच पैकेट का वेट है, तो आपको 30 kg जो है वो बनाना है। तो 30 kg आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 को आप चेंज कर लो 3/2 में, 2 से गया 15, 15 इंटू 3 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 50, पैरीमीटर आपको दिया गया था, सॉरी पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल है। आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर और एक स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। लेंथ दी गई है 17 और ब्रेथ दी गई है 11, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ का जो फॉर्मूला रहता है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा 56। इसका मतलब स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना है, 56 ही है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये इसकी साइड निकालते हैं तो डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, 4 इंटू साइड होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि इसकी एक साइड जो है वो कितनी आएगी, 14 आएगी, एक साइड 14 आएगी, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो भी एरिया निकलेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डायरेक्ट एक आपसे स्टेटमेंट पूछी थी, द फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम और इक्विवेलेंट, कब वो सेम होता है, तो जब आपको बोला जाए कि द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, ठीक है, अदर देन जीरो, वो तभी क्या है चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। जैसे कि मैंने लिखा 3/2, ठीक है, ये 3/2 कब रहेगा, जब इसकी ही तरह सेम वैल्यू निकल के आएगी, जैसे कि मैंने लिखा 9/6, इसको अगर मैं कट करूंगा तो 3/2 आएगा। अब 9/6 आया कहां से, मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तभी वो सेम वैल्यू जो है वो बनती है, ठीक है, अदर देन जीरो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 51, एक चार्ट दिया गया था और आपको बोला था कुछ मैचेस जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं। क्वेश्चन पूछा था ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है।
हाउ मैनी मोर मैचेस वर प्ले ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान। अब ऑस्ट्रेलिया ने देखिए कितने मैच खेले हैं, 32। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान ने खेले हैं कितने, 24। तो जब भी मोर देन की बात की जाती है, यानी कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में कम अधिक पास फेल हार जीत या कम ज्यादा की जब बात की जाती है, तो हमेशा आपने डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। तो 32 में से 24 जाएंगे तो 8 मैच जो है वो का डिफरेंस जो है आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चेक कैसे करेंगे, ये टोटल एंगल जो है वो आपका बनता है 360 का, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपके पास जो फर्स्ट एंगल दिया गया है वो दिया गया है 100 का, ठीक है, 100 आ गया। प्लस आपके पास x और 2x 3x हो गए, 3 और 4 ये 7, 7 और 6 ये कितने आ गए, 7 और 6 आ गए 13x। ये टोटल एंगल जो है वो आपका कितने का बनेगा, 360 का। 13x एज इट इज रहेगा, 100 उस तरफ जाएगा तो 360 में से 100 चले गए तो यानी कि 260। 13 से 260 गए कितने, 20, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये आ गया 20, 2 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 4 से करेंगे तो 4 दुने 8 यानी कि 80, 6 को 20 से करेंगे यानी कि x से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है, 6 से करेंगे तो 6 दुने 12, ठीक है, 6 टू 12 तो 20, 40, 80 और 120। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, मशीन जो है वो 12 पेज प्रिंट करती है एक मिनट में, ठीक है जी, 12 पेज प्रिंट करती है एक मिनट में। तो एक पेज को प्रिंट करने में 1/12 मिनट का समय लगा, ठीक है, और हमें निकालना है 5760, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5760 को, ठीक है, 12 से हमारा ये कट जाएगा, 12 से कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 480 मिनट आएगा। अब ऑप्शन आप हमारे किस में दिए, आर्स में दिए हैं ऑप्शन, इसलिए हम आर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60, 0 से 6 और 6 से ये कट जाएगा आपका, 0 से 0 जाएगी, 6 से 48 जाएगा तो 8 आंसर आएगा। तो 8 आर हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें पेपर में, क्वेश्चन नंबर 55 था, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 26.092 के आसपास आएगा जब मैंने इसको कैलकुलेट किया। तो मोर इसका क्लियर जो आंसर रहेगा वो आपका 26 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको ओपन करना था, 5 × 8 करेंगे और प्लस के 3 करेंगे तो 43/8 आ जाएगा ये, उसके मल्टीप्लाई 65/8 आ जाएगा और फिर -25/8 एंड 45/8, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन ध्यान रखना नीचे वाली को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाली और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2795/64 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1125/64। एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो 26.09 के आसपास वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें स्टेटमेंट पूछी थी कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूस एंगल तो कौन सी चीज जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, तो टू राइट एंगल्स के लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुमित वेट 107 kg, संजय का जो है वो 82 kg है, तो डिफरेंस आपको बताना है कितने का है। तो डिफरेंस जब मैंने चेक किया तो 107 में से 82 को जब मैं माइनस करता हूं, तो जब 82 मैंने माइनस किए तो मेरे पास ये कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 के नियर अबाउट दो ऑप्शन है, 30 एंड 20, मैं किसी को भी टिक कर सकता हूं, लेकिन देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस की फॉर्म में। टेंस का मतलब होता है जिसमें 10 यानी कि 0 लगी हो, तो 25 के नियर अबाउट कौन है, 30 है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये आपके पास वैल्यू दी गई है 3, 0, 0, 0 और 9, ये आपका 30009 ये आंसर बनता है। तो 30009 यहाँ पे 100 दे दिया इसलिए ये तो गलत है, तो इसका बनेगा 3, 10, 3, 10,
एंड नाइन जो है वो वंस पे है, लास्ट है, तो इसलिए वंस वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आपको बोला गया था एक बुक जो है वो 100 रुपए की मिलता है, ठीक है, एक दुकानदार एक बुक की कीमत एक कॉपी आप मार्केट से लेते हैं 100 रुपए की, जब आपने तीन लेनी है तो तीन का प्राइस कितना बनेगा, 300 रुपए बनेगा, लेकिन उसने तीन का प्राइस कितना बोल दिया, 275 बोल दिया, इसका मतलब उसने 25 रुपए अपने लिए क्या किए, घाटे में दे दिए, लॉस करवा दिया 25 रुपए का, तो ऑप्शन नंबर डी लॉस ऑफ 25 रुपीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए बोला गया है एक कोई नंबर है, आप अपनी मर्जी से कोई एक नंबर ले लीजिए, मैंने एक नंबर ले लिया 123, ठीक है, 123 मैंने नंबर ले लिया, अब इसके डिजिट को आपको ऐड करना है, यानी कि 1 और 2 3 3 और 3 6, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 117 आ गया। अब ये जो नंबर है ये हमेशा किससे कटेगा, क्या ये 2 से कटेगा, अब देखिए 117 क्या 2 से कटेगा, 7 से, 5 से या 9 से, एक और नंबर ले लेते हैं, मैंने नंबर ले लिया 500, ठीक है, या 501 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 और 0 5 आएगा, 5 और 1 6, माइनस किया 6 को तो ये आंसर मेरे पास कितना बनेगा, 494। अब ये जो 494 है ये किससे जो है वो इजिली कट जाएगा, तो देखिए ये वैल्यू कटेगी हमारी 3 से, अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो 3 × 3 यानी कि 9 से वैल्यू ये हमेशा कट जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। तो ऑलवेज की बात की गई है, कभी कभार जो है ये 5 से भी कट जाएगा, ऐसा नहीं कि 5 से नहीं कटेगा, जैसे कि मैंने वैल्यू लिख ली 500, तो 500 का एडिशन 5 माइनस किया 495, 5 से कट जाएगा, लेकिन ऑलवेज कटनी चाहिए, 117 जब आया तो 9 से कटेगा, 495 आया तब 9 से कटेगा, 494 आया तब ये भी 9 से कटेगा, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन हमने मैथ के सारे डिस्कस कर लिए, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तो विद सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए, इससे पहले रीजनिंग की ये मेंटल एबिलिटी की क्लास जो है वो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड करवा दी गई है, सो वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।